हेलो एवरीवन आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू पिनाकल कोचिंग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये है हमारी रेलवे की जीएस सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टीसीएस द्वारा पूछे गए वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछे हैं आरआरबी एनटीपीसी में ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिनाकल की इस बुक में जिसका नाम है रेलवे जर्नल स्टडीज फिफ्टी टू हंड्रेड टीसीएस एम चैप्टर वाइज कवरेज ठीक है तो ये बुक इजिली अवेलेबल है एमेजॉन एंड फ्लिपकार्टे या फिर इस बुक को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं इसके अलावा आप पिनाइकल की वेबसाइट पर जाकर ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बायोलॉजी का सेशन चल चल ले रहे हैं हम आजकल और कल हमने क्वेश्चंस किए थे 250 तक और उसके के उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं चलिए तो एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चंस पूछे हैं टीसीएस ने हम उसको कवर करेंगे और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाँ जी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन द मेंबर ऑफ फाइलम फाइलम का नाम बताना है आपने कि कौन सा फाइलम है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स होते हैं फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स ठीक है animals, आपको सारे के सारे एनिमल किंगडम किंगडम के फाइलम्स के बारे में पता होना चाहिए पोरिफेरा निडेरिया ठीक है ये सारी जो है अर्थोपोडा मॉलस इकाइनोडामेटा ठीक है इस करके है मैमेलिया ये सारी चीजें हैं तो वो आपको पता ही होगा हाँ जी फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स हाँ जी देखिए अर्थपोडा अर्थपोडा में तो इंसेक्ट्स आते हैं पिछले सेशन में भी मैंने बताया था जैसे कि आपका ग्रास ओपर हुआ और आपका कॉकरोच हुआ ये सारी चीजें इंसेक्ट्स हैं स्पाइडर हुआ इंसेक्ट है ऑर्थोपोडा में आते हैं हां जी अब आते हैं मॉलस्क मॉलस्क में आते हैं ऑक्टोपस स्टारफिश ये सारे मॉलस्क में आते हैं ठीक है थर्ड ऑप्शन दिया है इकाइनोडमेटा और फोर्थ ऑप्शन दिया है नेमाटोड्स आपको आंसर बताना है हाँ जी इकाइनोडमेटा इसका सही आंसर है ठीक है तो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उसके जो मेंबर है वो फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स है फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स का मतलब समुद्र में रहने वाले फ्री लिविंग मतलब ग्रुप में नहीं रहते हैं कॉलोनी बना के नहीं रहते हैं ससाइल है मतलब सिंगल आ, सिंगल एनिमल जो है वो अपना पूरा लाइफ साइकिल uh, जो है वो कंप्लीट कर लेता है मतलब लाइफ अपनी पूरी जो लाइफ की जर्नी है वो सिंगल रहता है फ्री रहता है ठीक है चलिए तो फाइलम जो है इज डिवाइडेड इनटू फाइव एक्सटेंड क्लासेस जैसे की एस्ट्रियोडिया ठीक है ये फर्दर उसके अंदर क्लासेज है इसको देख लेना आप एक बारी ठीक है तो इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पूछा जाएगा फाइलम और उसके इंपॉर्टेंट द फाइलम लीच जो होती है आपने पढ़ा होगा हिल स्टेशन पे होती है जो ब्लड सक करती है एनिमल्स पे लगती है एनिमल की स्किन पे लगी होती है वैसे तो ठीक है चलिए बताइए वो कौन से फाइलम में आती है प्रोटोकोडाटा मॉलस प्लैटील या एनिलीडा हां जी एनिलीडिया का एग्जाम्पल पता है आपको एनिलीडिया का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म ठीक है लीच किस में आता है लीच भी इसी में आता है ठीक है तो एनीलिडा के अंदर आता है अर्थवॉर्म्स भी आते हैं इसमें और लीच भी आता है हाँ जी ठीक है तो लीचेस बिलोंग टू द फाइलम एनीलिडा एग्जाम्पल्स एनिलीडा के और क्या है अर्थवॉर्म लीचिज लुक वॉर्म पॉलीचिटे ठीक है एग्जाम्पल्स है प्रोटोकॉल के भी एग्जाम्पल्स कर लीजिए जैसे कि बिलानो ग्लॉसेस हर्मेडिनिया एम्फियोक्सिस डोलियोलम एंड सल्पा ठीक है और मोलस्क में आते हैं स्नेल ऑक्टोपस बता चुकी हूँ स्क्विड ऑइस्टर क्लैम्स ये सारे के सारे इसके अलावा हाँ प्लेटी हेलमेंट इसके एग्जाम्पल है टेनिया टैप वॉर्म्स यानी कि टेप वॉर्म्स फेसियोला लिवर फ्लू टेनिया ठीक है ये सारे बीफ टेपॉर्म्स सारे जितने भी टेपॉर्म्स है फ्लैटफॉर्म्स है प्लेनेरिया जो है वो सारे के सारे आते हैं प्लेंटी प्लैंटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलस्क ठीक है मॉलस्क में ऑक्टोपस आता है स्नेल आता है आपके पास दो ऑप्शंस बचे एक यूनियो और ये स्क्लोरो हाँ जी इन दोनों में से बताइए स्कोलोपेंड्रा स्कोलोपेंड्रा इसका आंसर है यानी कि यूनियो जो है वो आता है मॉलस्क में राइट स्कोलोपेंड्रा इज ए जीनस ऑफ सेंटिपीड्स ऑफ फैमिली स्कोलोपैंड्रियाली और क्लास क्या है इसका चिलोपोडा और फाइलम है अर्थोपोड ठीक है अर्थोपोर्ड में आता है स्कोलोपेंड्रा नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ठीक है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सी टाइप्स के होते हैं ये पता होना चाहिए ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव है ठीक है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए आपको कि कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होती है ठीक है अमीबा है पैरामीशियम है और इन सब चीज़ों में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चलिए सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मेटीरियल ऑप्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वॉट आर दिज ऑर्गेनिज्म दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं एक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं यहां पूछा है कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना सिंपल फूड मेटीरियल जो है वो ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उनको बोलते हैं ऑटरक्राफ्ट राइट ये तो सभी को पता है हेटरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते दूसरों पे डिपेंड करते हैं सेप्रोफाइट्स जो डिके मैटर पे डिपेंड करते हैं ठीक है डिके मैटर को सब करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट मतलब है का ही फर्दर क्लासिफिकेशन uh, है सेप्रोफाइट्स चलिए हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू आपको बताना है कि आपको फूड पॉइंजनिंग है वो किस वजह से होती है उसका कॉज बताना है क्या फ्रोजन फ्रूड खाने से होते हैं नहीं ऐसा फूड खाने से जो सड़ा हुआ हो सड़ता क्यों है खाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से सड़ता है ठीक है तो ईटिंग फूड पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेजम इज द करेक्ट आंसर ठीक है चले आगे स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन पैरामीशियम अर्थवॉर्म अमीबा या हाइड्रा बताइए राइट right, अमीबा ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने ठीक है अमीबा जो होता है वो बाहर से अगर उसको कुछ भी खाना होता है तो वो स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक एक्सटेंशन डेवलप कर लेता है ठीक है कैसे कर लेता है डेवलप हाँ कैसे कर लेता है डेवलप इस तरीके से ठीक है और ये फूड को अंदर लेके जाता है और यहां से अपने जो स्यूडोपोडिया वाला जो पार्ट होता है उसको क्लोज करके उस पोर्शन को अंदर लेके चला जाता है और डाइजेस्ट करता है और बाहर से बाद में निकाल देता है ठीक है तो अमीबा इसका राइट आंसर है आगे पेनिसिलियम इज एन पेनिसिलियम क्या है एक तरह का बैक्टीरिया है फंगाई है फंजाई है वायरस है या एल्गी पेनिसिलियम जो होता है वो फंगस होती है एक तरह की जिससे जो है एंटीबायोटिक्स निकाली जाती है राइट तो पेनिसिलिन का जो पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने करी थी एलेक्सेंडर फ्लैमिंग में राइट तो पेनिसिलिन क्या है एक तरह की फंगस है हाँ जी तो एलेक्सेंडर फ्लैमिंग जो है उन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन फॉलोइंग मलेरिया पैरासाइट इसमें से कौन सा मलेरिया पैरासाइट है राइट प्लाज्मोडियम e. right, तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया पैरासाइट है ठीक है तो चार तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलो मलेरिया कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है प्लाज्मोडियम वेल uh, होता है प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम होता है ठीक है और एक चौथा होता है जो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ठीक है तो ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम के टाइप्स हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं इसमें से प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम जो है और ये जो वाइवेक्स है ये uh, हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत ही कॉमन है हाँ जी चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन asexual reproduction as in the case of amoeba in which an animal एनिमल by dividing into two individual is called इज कॉल्ड आपको बताना है ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर अमीबा के केस में, एक आ, जो अमीबा है वो दो में डिवाइड हो जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्यूजन लॉन्गिट्यूड फ्यूजन सिंपल फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन देखिए क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक से दो बन रहे हैं दो मतलब बाइनरी ठीक है तो बाइनरी फ्यूजन इसका आंसर है नेक्स्ट -like बता क्वेश्चन कि और बाहर का जो सेल प्लाज्मा है, उसके बीच में जो लाइक मटेरियल -like होता है जिसके अंदर जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं उस लाइक -like, सप्टैंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म ठीक है साइटो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एंजाइम एंड हॉर्मोन से देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं बाइल इज सिक्रेटेड बाय बाइल जो है कौन सिक्रीट करता है सबको पता है लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस फिर से सेम क्वेश्चन आया है कि बाइल जूस जो है कौन सी बॉडी ऑर्गन uh, जो है वो सिक्रीट करता है आंसर है लीवर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आयोडीन जो है वो किसकी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है असेंशियल है जरूरी है आयोडीन कल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं काफी सारे है ना तो आपकी यहाँ पर अच्छे से रिवीजन हो रही है आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए राइट थायरोक्सिन थायरोक्सिन जो है के लिए इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन राइट right? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सी ग्लैंड है विच हैंग बाय अ थिन स्टॉक फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी हुई एक ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है कौन सी वो ग्रंथि है ये आपको बताना है कौन सी वो ग्लैंड है आपको बताना है ग्लैंड, या हाँ जी पिट्यूटरी इसका सही आंसर है ठीक है चलिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हैंग करती है ठीक से से है, है? है वो आ, हमारे गले में होती है जो कि थायरॉक्सिन रिलीज करती है और आयोडीन जरूरी होता है तो थायरॉक्सिन के लिए और अगर हाइपोथर या हाइपर थारोडिज्म हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है ग्वाइटर ठीक है एड्रनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है और वो रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स करती है स्ट्रेस को और अदर असेंशियल फंक्शन तो एड्रनल ग्लैंड जो है वो एड्रनल लिन निकालती है जो कि स्ट्रेस के वक्त जो है काम आता है ठीक है पेनक्रियाज है हैज अ डाइजेस्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन दोनों ही तरह के फंक्शन करता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन भी निकालता है और ग्लूकागोन ये दो हॉमोन्स निकालता है ठीक है पेनक्रियाज नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड ठीक है इसको एच जी एच भी बोलते हैं ठीक है ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन जो है कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है थारॉइड ग्लैंड नहीं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पैनक्रियाज नहीं या पोस्टीरियर लोब तो इन दोनों में से एक आंसर है बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी फाइव हाँ जी क्वेश्चन नंबर 265 का आंसर है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन इसमें से कौन सा पशु हार्मोन है ऑक्सिन जिब्रिलिन इंसुलिन या साइटोकाइनिन हां जी बताइए राइट इंसुलिन ठीक है इंसुलिन right, जो है एक तरह का एनिमल हार्मोन है इसके अलावा ऑक्सीजन जिब्रिलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों के तीनों जो है प्लांट हार्मोन है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीमेल सेक्स सेक्स हार्मोन न्यूक्लियोसोम टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन या क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमैटिन तो ये तो कहीं से भी आंसर नहीं हो सकती तो सेल के अंदर होते हैं ठीक है क्रोमैटिन तो जेनेटिक मटेरियल के लिए बोला गया है ठीक है टेस्टोस्टिरोन एस्ट्रोजन में से आंसर है टेस्टोस्टिरोन होते हैं मेल में एस्ट्रोजन होते हैं फीमेल में तो सी इसका आंसर है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलीज ऑफ विच हॉर्मोन कोज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि आपकी हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट दोनों को बढ़ा देता है सेरेटोनिन एड्रेनालिन एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन अभी हमने पीछे पढ़ा था एड्रेनालिन के बारे में राइट जो स्ट्रेस के वक्त जो है वो रिलीज होता है राइट और काफी सारी चीजों को रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है तो यहां पर आंसर क्या है एड्रेनलिन ठीक है एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है ठीक है तो एपीनेफ्रीन uh, uh, भी बोलते हैं इसको आर कॉमनली नोन एज एड्रेनलिन इज अ अमोन सिक्रीटेड बाय द मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड राइट स्ट्रॉन्ग इमोशन हॉर्मोन है ये फियर के वक्त एंगर के वक्त जो है ये रिलीज होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में और हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है शुगर मेटाबोलाइज करता है राइट right? इसके अलावा सेरेटोनिन क्या है सेरेटोनिन भी एक तरह का हार्मोन है जो मूड को स्टेबलाइज करता है फीलिंग ऑफ वेलबींग लेके आता है और हैप्पी हार्मोन है एक तरह का सेरेटोनिन ठीक है फिर आता है एस्ट्रोजन बात कर चुके हैं इसके बारे में कि फीमेल सेक्स हार्मोन है ठीक है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नेक्स्ट आता है था, थायरॉक्सिन इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरोक्सिन, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एन एंजाइम यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इंटू पेप्टाइड, उस एंजाइम का नाम बताना है जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में ऑप्शंस क्या है लेकिन राइट right, जो पैप्सिन कह रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है तो पैप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में राइट right? क्या करता है Lactase करता है मिल्क शुगर को कन्वर्ट करता है अः बाकी ब्रेकडाउन uh, करता है लेकटोज शुगर को और शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होता है इनवर्टेज क्या करता है Uh, ये हाइड्रोलाइज करता है सुक्रोज को टेबल शुगर को राइट इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज ऐसे ही जाइमेज भी एक तरह का एंजाइम है जो कि यीस्ट से निकलता है और क्या ब्रेकडाउन करता है ये भी शुगर को ही ब्रेकडाउन करता है इंटू एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन चलिए वट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का क्या फंक्शन है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपने सुना है जिसको डायबिटीज होती है जिसको शुगर uh, का प्रॉब्लम होता है वो इंसुलिन लेते हैं ठीक है चीके? तो बताइए क्या रेगुलेट करता है इट रेगुलेट्स हाउ द बॉडी यूज एंड स्टोर द ग्लूकोज एंड फैट इट स्टेबलाइज द फिल्टर ब्लड टू द हार्ट इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द लंग्स या इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड राइट एस का आंसर है ये तो ज्यादातर बच्चे uh, सही ही आंसर करेंगे इंसुलिन जो है ह्यूमन बॉडी में उसका फंक्शन क्या होता है स्टोर uh, की कैसे ग्लूकोज uh, जो है वो स्टोर होगा बॉडी कैसे उसको यूज करेगी ठीक है इंसुलिन डेफिशिएंसी से हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया टाइप वन डायबिटीज इंसुलिन डेफिशिएंसी आल्सो लीड्स टू एक्सलोरेट प्रोटीन कैटाबोलिज्म एज वेल एज डिमिनिश द प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है अगर प्रोटीन इंसुलिन की डेफिशियंसी हो जाए तो प्रोटीन की सिंथेसिस में कमी हो जाती है ये uh, यहाँ पर लिखा है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन से होते हैं हां जी बताइए मिनरल रेडिएशन एंजाइम या हार्मोन एंजाइम्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ठीक है catalyst, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम कराते हैं केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन च वन ऑफ दीज हॉर्मोन स्टिमुलेट यूरिन कॉन्ट्रेक्ट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स इसमें से कौन सा हॉर्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव को उत्तेजित करता है बताइए प्रोजेस्ट्रॉन ऑक्सीटोक्सिन थरॉक्सिन या एडीएच हाँ जी फीमेल में डिलीवरी के वक्त फीमेल्स में बेबी डिलीवरी के वक्त जो है आ, आ, यूट्राइन जो है आप उसका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और जो उसका सर्विक्स है वो डायलेट करता है टू डिलीवर अ बेबी राइट तो इस टाइम पर जो है फीमेल की बॉडी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती है और यहाँ पर हॉर्मोन्स जो रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं और डायलेशन हो रहा है सर्विक्स का वो हॉर्मोन है ऑक्सीटोसिन ठीक है इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है और ये ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करता है डायलेशन के लिए और डायलेश कराता है एक और हॉमोन यहाँ पे लिख लीजिए रिलैक्सिन रिलैक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल है डायलेशन ऑफ सर्विक्स के लिए ठीक है ये दो हार्मोन है जो नॉर्मली जो है टीसीएस क्वेश्चंस पूछता है इसपे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स प्रोजेस्ट्रॉन इज अर्मोन रिलीज बाय ओवरी ये तो अलग है एंटीडायोट्रिक हॉर्मोन जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है तो या तो रिलैक्सिन लिखा होगा आंसर uh, में आपको जो टिक करके आया नहीं तो ऑक्सटॉक्सिन हाँ जी दाइम अल्फा एमाइलेज इज प्रेजेंट इन द इन दिच फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपको बताना है किस अंग मौजूद होता है प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी टीथ स्किन या अल्फा एमाइलेज जो है वो प्रेजेंट होता है स्लाइवा में देखिए जो आपका फूड का डाइजेशन है वो माउथ से शुरू हो जाता है क्योंकि आपके माउथ में जब आप फूड को च्यू करते हैं और वो स्लाइवा के साथ मिलता है तो स्लाइवा में दो हॉर्मोन्स होते हैं एक होता है एमाइलेज और एक और होता है जो आप मुझे बताएंगे जल्दी बताइए एक होता है एमाइलेज दूसरा होता है लाइपेज ठीक है लाइपेज एंड एमाइलेज ठीक है ये दोनों के दोनों जो है वो फूड में प्रेजेंट Uh, uh, चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है टाइलिन है? एमाइलेज इज प्रेजेंट इन द द ऑफ़ ह्यूमन बॉडी टाइलेज एंजाइम भी टाइलिन सॉरी टाइलिन एंजाइम भी प्रेजेंट होता है इज ऑल्सो नोन एज उसको भी uh, स्लाइवरी एमाइलेज ही बोलते हैं तो या तो टाइलिन लिखा होगा या अल्फा एमाइलेज लिखा होगा ठीक है तो ये जो अल्फा एमाइलेज है जो स्लाइबली एमाइलेज है ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को एंड मॉइन करता है फूड को टू मेक इट सॉफ्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ विच कंसेंट्रेशन द कंसेंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हॉर्मोन इज हाइएस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीजेज एज यू गेट क्लोजर टू द रूट देखिए अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे प्लांट बनाती हूँ एकदम ऐसे अगर उसकी स्टेम बनाती हूँ यहाँ पे लीव्स है सब कुछ है और यहां से मान लीजिए रूट्स है ठीक है ये यह यहाँ पे लीव्स है तो टिप पे कौन सा किस कौन से हॉर्मोन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे मैं रूट्स की तरफ जाऊंगी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा ये आपको बताना है ऑप्शन है साइटोकाइनिन जुब्रिल इथाइलिन और ऑक्सिन हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी फोर टू सेवेंटी फोर क्वेश्चन है या कौन सा क्वेश्चन है ये बताइए जल्दी से बताइए हां जी राइट right, ऑक्सीजन जो कह रहे बिल्कुल सही है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है प्लांट की टिप पे और रूट्स में सबसे कम होता है ठीक है ऑक्सीजन जो है एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो रेगुलेट करता है उसकी ग्रोथ को साइटोकाइनिन क्या करता है सेल डिवीजन करता है साइटोकाइनेसिस करता है शूट और रूट में दोनों में ही जिब्रेन जो है ये क्या कराता है ये कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस uh, को रेगुलेट करता है जैसे कि स्टेमिलेशन जर्मिनेशन डोमेंसी फ्लावरिंग प्लांट डेवलपमेंट ये सारी चीजें इथाइलिन तो सबको पता होना चाहिए इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग कराता है ठीक है तो uh, फल को पकने में हेल्प करता है इथाइलिन यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इथाइलिन एकमात्र एक ऐसा हॉर्मोन है जो गैस गा, फॉर्म में है ठीक है uh, कोई सॉलिड लिक्विड फेस में नहीं है फेस में है इथाइलिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिय असेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थारॉयड बॉडी थारॉयड ग्लैंड आपसे पूछा है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायरॉयड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है राइट right, आयोडीन हाँ जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है इथाइलिन प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग कराता है एसिड है ठीक है जो सेनेसेंस कराता है जिब्रिलिन है प्रोलैक्टिन जो है वो एनिमल हार्मोन है ठीक है चलिए तो प्रोलैक्टिन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन इट इज हार्मोन मेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करती है राइट प्रोलैक्टिन का प्रोलैक्टिन किसान प्रेजेंट होता है फीमेल होमोन है प्रोलैक्टिन बेबी डिलीवर होने के बाद फीमेल की ब्रेस्ट में से मिल्क रिलीज करवाता है ठीक है मिल्क की सिक्रीशन या मिल्क रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन चलिए इंटर Intestinal juice convert protein into food into which molecules? आपसे पूछा है आंतों का रस भोजन में प्रोटीन को किन अनुमो को अंगु को में परिवर्तित करता है? हाँ जी, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स या फिर ग्लूकोस। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 277, राइट? अमीनो एसिड्स इसका सही आंसर है ठीक है तो इंटेस्टाइनल जूस क्या है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ग्लैंड हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी आपसे पूछा है ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को पैनक्रियास पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड राइट एड्रिनल ग्लैंड इसका सही आंसर है एड्रेनल ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को राइट चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट बाइल जूस कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर ठीक है चलिए विच हॉर्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन, थाड एड्रिन या इंसुलिन इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को ह्यूमन बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है ये सबको पता है राइट चलिए आइडेंटिफाई द वॉटर सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग इसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना है देखिए कौन कौन से वाइटामिन होते हैं ए बी सी डी एंड के ठीक है, total है तो सिक्स विटामिन है टोटल और इसमें से वाटर सोल्यूबल होते हैं बी एंड सी तो बी सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है उसके अलावा ए डी e और के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं राइट तो यहां पे देख लीजिए आपको क्या ऑप्शंस दिए हैं सी तो है ही नहीं तो बी वन इसका आंसर होगा ठीक है थायमिन बोलते हैं इसको विटामिन बी वन को राइट हाँ जी तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं एस्कोबिक एसिड यानी विटामिन सी बी वन को था बोलते हैं और बी uh, सिक्स है बी ट्वेल्व है इनके भी नाम यहाँ पे लिखे हैं इसके अलावा फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं ए डी ई के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का बेसिक फंक्शन क्या है टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू डेवलप द मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू देखे एस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है तो मेल रिप्रोडक्टिव वाला तो ये हटा ही दीजिए अब बचा आपके पास तीन ऑप्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो या टू तो बैलेंस द मूड राइट टू तो रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए एस्ट्रोजन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आर हेयर स्किन एंड आईज इनमें से कौन सा वर्णक हमारे बालों त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है मायोग्लोबिन जेंथोफिल या क्लोरोफिल बताइए कौन सा पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है जो आपके हेयर कलर स्किन कलर और आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है राइट right, जो मेलानिन कह रहे हैं बिल्कुल सही है आपका जो मेलानिन पिगमेंट का जो क्वांटिटी है स्किन में अगर वो ज्यादा होगी तो आपका स्किन जो है वो ब्राउन शेड की साइड ज्यादा जाएगा कम है तो थोड़ा लाइट ब्राउन रहेगा ठीक है इसके अलावा मायोग्लोबिन क्या है वो कहाँ पे मिलता है मायोग्लोबिन इज फाउंड इन योर हार्ट एंड स्केलेटन मसल्स ठीक है चलिए बाकी आप यहाँ से कर लीजिएगा जैसे कि जेंथोफिल क्या है से मिलता है, जैसे कि हुआ, हुआ, हुआ। पता है, है जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल भी फर्दर क्लोरोफिल ए होता है क्लोरोफिल बी होता है उतनी डिटेल में नहीं जाना बस इतना याद रखिए कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि उसके ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द इंसुलिन हॉर्मोन इंसुलिन हॉर्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है पेनक्रियाज रिलीज करता है चले आगे पेनक्रियाज में भी दो तरह के सेल्स होते हैं अल्फा एंड बीटा बीटा सेल्स रिलीज करते हैं हाँ जी अब बात आती है डिस्कवरीज एंड वैक्सीन की कौन सी वैक्सीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी uh, ये क्वेश्चन इस सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे बोला गया है एंग्लर इचर बेंथम एन हुकर या फिर कॉल लीनियस हाँ जी बताइए राइट कॉल लिनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है कॉल लिनियस को कहा जाता है टेक्सोनॉमी क्या है टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग डिस्क्राइबिंग क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो टेक्सोनॉमी एक तरह का क्या है ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स को और एनिमल्स को नाम देने का उनको डिस्क्राइब करने का उनको क्लासिफाई करने का एक तरीका है तो इस पर पूरी एक अलग स्टडी है ठीक है तो उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमी हाँ जी रॉबर्ट हुक ने क्या किया था रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी प्रोटोप्लांस न्यूक्लियस सेल या एटम राइट सेल तो सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीसीएस ये क्वेश्चन बार बार पूछता है राइट right? तो कब करी थी उन्होंने ये 1665 में ईयर भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड अ सेल रॉबर्ट हुक ठीक है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को ये क्वेश्चन है इसके अलावा सेल थ्योरी किसने दी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेल थ्योरी दी थी शिल्डन एंड श्वॉन ने थियोडर श्वॉन एंड मैथिया शिल्डन इन दोनों ने मिलकर दिया था सेल थ्योरी राइट चलिए इसके अलावा एक और uh, जो रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक लिखी थी उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया ये भी इंपॉर्टेंट है हु डिस्कवर्ड पेनीसिलिन पेनेसिलिन एक फंगस है ठीक है जो कि डिस्कवर करी थी एलेक्सेंडर फ्लैमिंग ने राइट लुइस पास्चर किसके लिए जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं फॉर द इन्वेंटिंग द प्रोसेस ऑफ पैश्चुराइजेशन मेंडल जो है वो किस लिए जाने जाते हैं पी पे उन्होंने डिस्कवर किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थियोफ्रैटिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हाँ जी थियोफ्रैटिस को क्या कहा जाता है किसके पिता कहा जाता है केमिस्ट्री बॉटनी या फिजिक्स राइट जो बॉटनी कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो थियोफ्रेटिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी एंटीओन लेबोसीज़ियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एरिस्टोटल फादर ऑफ जोलॉजी गैलीलियो ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एंड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फेमस बायोलॉजिस्ट विद हुम द गैलेपोगोज आइलैंड इज एसोसिएटेड हाँ जी गैलेपोगोज आइलैंड पे जो है एक साइंटिस्ट गए थे वहां पे उन्होंने बहुत तरह की बर्ड्स देखी उसको नाम दिया finches, ठीक है बाद में जो है उन साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक बुक लिखी थी ठीक है तो ऑप्शन देख लेते पहले जॉर्जर जॉन ग्रेगर मैंडल कॉल लीनियज अर्नेस्ट डार्विन ठीक है तो चार्ल्स डार्विन गए थे वहां पे गैलेपोगोज आइलैंड पे ठीक है और उन्होंने उन वहाँ पे जो बर्ड्स थी उनको नाम दिया था डार्विन फिंच ठीक है उस पर उन्होंने फिर रिसर्च करी थी राइट right? अगर आपको आप बायोलॉजी से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं आपने पढ़ा है स्कूल्स में तो आपको पता होगा डार्विन फिंचेस के बारे में तो चार्ल्स डार्विन इज एसोसिएटेड विद गैलापागोस आइलैंड द आइलैंड इज फेमस फॉर द फियरलेस वाइल्ड लाइफ एंड डाविन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ठीक है जॉन ग्रेगर मेंडल जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है कार लिनियक्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था अर्नेस्ट हैकल ने टर्म दी थी इकोलॉजी ठीक है तो अर्नेस्ट हैकल uh, से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि हु कॉइंड द टर्म हु कॉइंड द वर्ड इकोलॉजी तो आंसर क्या होगा अर्नेस्ट हैकल हु गेव द टर्म होमोसेपियन होमोसेपियन ह्यूमस का ही साइंटिफिक नेम है सबको पता है तो किसने ये टर्म दी थी वो आपको बताना है ऑप्शन है कार्लिनियस मिलर डाबिन जे जे जी जे मैंडल हाँ क्वेश्चन नंबर टू नाइंटी वन राइट कार्लिनियस इसका सही आंसर है इन्होंने ही ये टर्म दी थी होमोसेपियंस ठीक है चलिए साइक्लोन थर्टी अ पार्टिकल एक्सलोरेटर इज़ यूज इन मेडिकल एप्लीकेशन इट विल हेल्प पेशेंट सफरिंग फ्राम आपको बताना है कि ये जो साइक्लोन uh, 30 है एक पार्टिकल एक्सलोरेटर है जो कि एक मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होता है कौन से पेशेंट uh, कौन से वो पेशेंट होते हैं जो कौन से डिजीज से सफ़र कर होते हैं जहाँ पर हमें uh, जहाँ पर हम लोग ये मेडिकल एप्लीकेशन का यूज़ करके यूज करते हैं uh, कौन से पेशेंट्स हैं ऑप्शंस क्या दिया आपको हार्ट डिजीज कैंसर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज हां जी ठीक है तो इसका आंसर है बी कैंसर राइट चले आगे चलिए इसको देख लेते हैं एक बार हाँ जी तो साइक्लोन थर्टी बिकेम द ऑपरेशनल एट वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर वीई कोलकाता साइक्लोट्रॉन जो है वो यूज होता है टू प्रोड्यूस द रेडियो आइसोटॉप्स फॉर डायग्नोसिस एंड थेरोपेटिक यूज ऑफ कैंसर केयर तो इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सरे द चार्ज पार्टिकल लाइक द प्रोटीन अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा टू वेरी हाई इंटेंसिटी बेसिकली आपको ये याद रखना है कि तो साइक्लोट्रॉन थर्टी जो है वो यूज करते हैं कैंसर पेशेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ के बारे में आपने सुना है काफी फेमस हुआ था, ठीक है तो बीटी का मतलब होता है बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस ठीक है बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस जो है एक बैक्टीरिया के अंदर से जीन लेके इस ब्रिंजल में डाला गया है Uh, क्या चीज क्योर करने के लिए यही क्वेश्चन है टू इंप्रूव इट टेस्ट टेस्ट इंप्रूव करने के लिए टू मेक इट ड्रॉट रेजिस्टेंट बेस्ट रेजिस्टेंट या शेल्फ लाइफ देखिए ये बनाया गया है टू मेक इट बेस्ट रेजिस्टेंट ठीक है तो uh, सब्जियों को ब्रिंजल को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ब्रिंजल क्रिएट किया गया डेवलप किया गया उस उस जेनेटिकली मॉडिफाई का बेसिकली इनको जीएमओज बोलते हैं जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ठीक है जीएमओ बनाया गया जीएम क्रॉप्स भी बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बीटी ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल है और बीटी का मतलब है बेसिलस है पेस्ट रेजिस्टेंट चलिए हाँ जी और यहाँ पे जो लिखा है क्राई वन ए सी जीन तो बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट इस बैक्टीरिया में से कौन सा जीन निकाला गया था क्राई वन ए सी जीन निकाल के और ब्रिंजल के अंदर डाल दिया गया ठीक है तो ब्रिंजल जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया जब उसको पेस्ट खाता था कोई इंसेक्ट खाता था उसको तो वह इंसेक्ट मर जाता था क्योंकि ये जो जीन है उसकी स्टमक में जाके एक्टिवेट हो जाता था और एक टॉक्सिन क्रिस्टल बनाता था उस टॉक्सिक की वजह से वो इंसेक्ट मर जाता था तो ऐसा एक मैकेनिज्म था ठीक है तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जितना टीसीएस पूछेगी बस उतना ही याद रखना है क्योंकि मेन एम है आपका एग्जाम क्रैक करना ना कि इसके ऊपर पूरा स्टडी कर लेना राइट right? तो ब्रिटी ब्रिंजल हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है किसने इन्वेंट किया था जेम्स चैडविक एडवर्ड जेनर रेदरफोर्ड या लुइस पाश्चर क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी फोर राइट एडवर्ड जेनर ठीक है तो एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल uh, पॉक्स का वैक्सीन जो है वो डिस्कवर किया था राइट right? चले आगे हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमल क्लेचर ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स ऑप्शन क्या दिए आपको ऑप्शन दिए हैं चार्ल्स डाविन जेम्स वैटसन लुइस पाशव कैरोलस लीनियस राइट कैरोलस लीनियस जो है वो इसका एग्जाम्पल वो इसका आंसर है फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमल क्लेचर का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द इंडियन साइंटिस्ट द प्राइज़ फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन कोड एट भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने अनुवंशिक कोड को क्रैक करने के लिए नाइनटीन सिक्सटी एट में मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया मेघनाथ शाह हरगोबिंद खुराना विश्ववराया वेंटाश्वर वेंकटारमन राधा कृष्णन राइट right, हर गोविंद खुराना हर गोविंद खुराना को उसका श्रेय जाता है ठीक है उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1968 में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवारेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज रिसर्च ऑन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया मलेरिया के संचरण पर उनके शोध के लिए नोबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है रॉबर्ट ई एडवर्ड रोनाल्ड रॉस पॉल लॉटरबर्ग कॉल लैंडस्टाइनर क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी सेवन राइट बी रोनाल्ड रॉस ठीक है

हाँ जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया एंड लॉ ऑफ ये तीन लॉज दिए थे किसने किए थे Answer है है, ठीक तो कॉल uh, लैंडस्ट्रीनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप्स को ठीक है कौन कौन से ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी एंड ओ और एक नया ब्लड ग्रुप है जिसको ऐसे डिनोट करते हैं एच एच या एच एच करके उसे बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप आजकल टी सी एस इस पे क्वेश्चन पूछ रही है बॉम्बे ब्लड ग्रुप ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज एडवर्ड जनरल जे जे मैंडल जी जे मैंडल कार्लिनियस या लुइस पार्सर बॉटनी के फादर का नाम आपको बताना है हु इज द फादर ऑफ बॉटनी राइट कार्लिनियस चलिए हाँ जी तो ये थे आज के फिफ्टी क्वेश्चन जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया ठीक है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पिनेकल की इस बुक में मिल जाएंगे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी रेलवे जनरल स्टडीज 5200 टीसीएस एमसीक्यू राइट तो मेरा सजेशन आपको यही है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपको याद होगा उतनी ज्यादा अच्छी आपको कमांड आएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे राइट right. तो इस तरह अपनी तैयारी कीजिए और मोक टेस्ट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए मोक टेस्ट लगाने के लिए आप पिनेकल की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे